वेलकम टू माई चैनल गाइज। आज का वीडियो अगेन एक कंपेरिजन वीडियो है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ प्लम ग्रीन टी क्लियर फेस मास्क और गुड वाइब्स ग्रीन टी फेस मास्क का कंपेरिजन वीडियो शेयर करने वाली हूँ। गाइज मैंने ये दोनों ही मास्क यूज़ किए हैं, मुझे दोनों के ही रिजल्ट काफ़ी अच्छे लगे हैं। बट गाइज वो कहते हैं ना, दो चीज़ों में 19-20 का डिफरेंस तो होता ही है, वही डिफरेंस इनमें भी है जो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। गाइज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ कि मुझे इनमें से कौन सा मास्क ज़्यादा अच्छा लगता है और क्यों अच्छा लगता है। गाइज सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये दोनों ही ग्रीन टी मास्क है। ग्रीन टी हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, ये हमारी स्किन को इंस्टेंटली क्लियर बनाता है, हमारी स्किन को ब्राइट बनाता है, हमारी स्किन इंप्योरिटीज को क्लीन करता है, हमारे जो कॉम्प्लेक्शन होता है उसको इवन करता है, हमारी स्किन पे जो ऑयल होता है उसको कंट्रोल करता है, एक्ने को प्रिवेंट करता है, और हमारी स्किन पे जो एक्ने के मार्क्स ब्लेमिशेस के मार्क्स होते हैं उनको रिड्यूस करता है, हमारे फाइन लाइंस रिंकल्स को रिड्यूस करता है, और हमारी स्किन पे जो ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स होते हैं उनको भी रिड्यूस करता है, और हमारी स्किन को यूथफुल ग्लोइंग बनाता है। और गाइस ये जो मास्क है ग्रीन टी मास्क, ये स्पेशली फॉर कॉम्बिनेशन स्किन, ऑयली स्किन और एक्ने प्रॉन स्किन के लिए होता है। ये ग्रीन टी मास्क एक्ने प्रॉन स्किन के लिए बेस्ट होता है, ये सभी स्किन टाइप वाले यूज़ कर सकते हैं, बट ये बेस्ट होता है ऑयली कॉम्बिनेशन और एक्ने प्रॉन स्किन के लिए। चलिए अब हम आज का कंपेरिजन वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कंपेरिजन करेंगे इनकी पैकेजिंग का। गाइस प्लम का जो मास्क है वो ग्लास के कंटेनर की पैकेजिंग में आता है, जबकि गुड वाइब्स का जो मास्क है वो प्लास्टिक कंटेनर पैकेजिंग में आता है। दोनों ही ट्रैवल फ्रेंडली पैकेजिंग में है, आप इनको इजीली कैरी कर सकते हैं। चलिए अब हम प्राइस का कंपैरिजन करते हैं। प्लम का जो मास्क है उसका प्राइस है 490 रुपीज़। 490 रुपीज़ में आपको 60 ग्राम प्रोडक्ट मिलता है और इसकी सेल्फ लाइफ है 2 ईयर्स। और जो गुड वाइब्स का मास्क है उसका प्राइस है 225 रुपीज़। 225 रुपीज़ में आपको 50 ग्राम प्रोडक्ट मिलता है और इसकी सेल्फ लाइफ है 2 ईयर्स। गाइज दोनों ही मास्क क्रुएल्टी फ्री है, पैराबिन फ्री है, सिलिकन फ्री है। चलिए अब मैं आपको इसको ओपन करके इनकी जो टेक्सचर है वो दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं आपको प्लम का टेक्सचर दिखाती हूँ। गाइस आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है, मैंने इसको काफ़ी बार यूज़ किया है। इसका जो टेक्सचर है वो काफ़ी क्रीमी है, बट गाइस इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत ही थिक है, आप देख सकते हैं। चलिए अब मैं आपको गुड वाइब्स का मास्क दिखाती हूँ। गुड वाइब्स का मास्क गाइस डबल लिड के साथ आता है, इसके अंदर आपको इस टाइप की पैकेजिंग मिलेगी, और इसका जो कलर है वो ग्रीन कलर है। और गाइस इसका टेक्सचर भी बहुत क्रीमी है, बट ये प्लम के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा थिन है, आपको विजिबल हो रहा होगा, ये बहुत ही थिन है और ये बहुत ही ज़्यादा थिक है। अगर हम फ्रेगरेंस की बात करें तो जो गुड वाइब्स की फ्रेगरेंस है वो काफ़ी माइल्ड है, और जबकि प्लम की जो फ्रेगरेंस है वो गुड वाइब्स के कंपैरिजन में थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है। बट ऐसा नहीं है कि फ्रेगरेंस से इरिटेशन होती है, मुझे दोनों की ही फ्रेगरेंस काफ़ी अच्छी लगी। चलिए अब ये मास्क मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ कि इसको अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले मैं आपको प्लम का मास्क अप्लाई करके दिखाती हूँ। गाइस ये जो मास्क है इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत ही ज़्यादा थिक है, तो इसको अप्लाई करने में बहुत ही दिक्कत आती है, और इवन ब्रश की हेल्प से तो मैं इसे अप्लाई भी नहीं कर पाती हूँ। आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा थिक है। मेरी एक ओपिनियन है, जब भी आप इसको अप्लाई करें ना, आप इसमें थोड़ा सा रोज़ वाटर ऐड कर लें, उसके बाद इसको अप्लाई करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती। अदरवाइज़ इसको अप्लाई करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, आप देख सकते हैं कि ये इजीली स्प्रेड नहीं होता है, और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत ही ज़्यादा थिक है। इस तरीके से आपको अपने फेस पे इसको अप्लाई कर लेना है और आई कांटेक्ट से दूर रखना है, और इसे मैं अपने हाफ नेक पे भी अप्लाई कर लूँगी। इस तरीके से आपको इसको अप्लाई कर लेना है, इसको अपने हाफ नेक के साथ साथ अपने नोज़ पे भी अप्लाई कर लूँगी। इस तरीके से गाइस ये मास्क आपको अपने फेस पे अप्लाई करना है। और अब मैं अपने फेस के दूसरे साइड पे गुड वाइब्स का ग्रीन टी मास्क अप्लाई करती हूँ। गाइस इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत ही थिक है और बहुत ही क्रीमी है, आप देख सकते हैं कि बहुत ही इजीली
अप्लाई हो जाता है ये, और इसका जो कलर है वो ग्रीन है। इस तरीके से आपको ये बहुत ही स्मूथली अप्लाई हो जाता है। इसको अपने नेक पे भी अप्लाई कर लूँगी। गाइज इस तरीके से ये मास्क आपको अपने फेस पे अप्लाई कर लेना है। गाइज इन दोनों ही मास्क को मैं 15 to 20 minutes ड्राई होने तक रखूँगी, उसके बाद इनको वॉश करके मैं आपको इनके रिजल्ट दिखाती हूँ। गाइज इन मास्क को यूज़ किए मुझे 15 minutes हो चुके हैं और प्लम का जो मास्क है वो कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है, बट गुड वाइब्स का जो मास्क है वो अभी भी वेट है, उसको ड्राई होने में अभी टाइम लगेगा। बट स्टिल मैं आपको अपना फेस वॉश करके इनके रिजल्ट दिखाती हूँ, क्योंकि गाइज जो प्लम का मास्क है उसको अप्लाई करने के बाद मेरे फेस पे जलन फील होती है, इरिटेशन होती है, जबकि गुड वाइब्स के मास्क से मुझे कोई इरिटेशन नहीं होती, कोई जलन नहीं होती है। प्लम का जो मास्क है गाइज उसको मैं ज़्यादा देर तक अपने फेस पे नहीं बर्दाश्त कर सकती हूँ। सो मैं आपको अपना फेस वॉश करके दिखाती हूँ कि इनके रिजल्ट कैसे हैं। गाइज़ मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है और एक टॉवल की हेल्प से ड्राई भी कर लिया है। गाइज़ आप मेरी स्किन पे दोनों ही मास्क के रिजल्ट देख सकते हैं। इस साइड मैंने गुड वाइब्स का मास्क यूज़ किया था और इस साइड मैंने प्लम का मास्क यूज़ किया था। दोनों के ही रिजल्ट गाइज़ काफ़ी अच्छे हैं, बट गाइज़ मुझे गुड वाइब्स के जो रिजल्ट हैं वो अच्छे लगे, ज़्यादा अच्छे लगे हैं। गाइज ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट 19-20 का ही डिफरेंस है। गुड वाइब्स का जो रिजल्ट है वो मुझे पर्सनली मुझे अच्छा लगा है। गाइज मैं आपको एक ओपिनियन देती हूँ कि जब भी आप मास्क अप्लाई करें अपने क्लीन फेस पे अप्लाई करें, कुछ भी क्रीम वगैरह अगर आपने अपने फेस पे अप्लाई कर रखा है तो पहले उसको क्लीन कर लें, फेस वॉश कर लें, उसके बाद ही आप मास्क अप्लाई करें। और गाइज मास्क अप्लाई करने के बाद जब आप अपने फेस को क्लीन करें तो उसके बाद एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर ज़रूर अप्लाई कर लें। मैं यहाँ पे द फेस शॉप का चिया सीड मॉइस्चराइजर अप्लाई कर रही हूँ। 1 or 2 drops अपने फेस पे अच्छे से मॉइस्चराइजर की ज़रूर अप्लाई करें। इस तरीके से अपने फेस पे अप्लाई कर लें। चलिए गाइज अब बात करते हैं हम कंपैरिजन की। गाइज मुझे प्लम के कंपैरिजन में गुड वाइब्स का ग्रीन टी मास्क ज़्यादा अच्छा लगा। प्राइस की अगर हम बात करें तो प्लम का जो प्राइस है वो है 490 rupees और गुड वाइब्स का जो प्राइस है वो है 225 rupees। तो गाइज प्राइस में भी बहुत अच्छा खासा डिफरेंस है। गुड वाइब्स का जो मास्क है वो काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में है, जबकि इनकी क्वांटिटी में बहुत थोड़ा सा ही डिफरेंस है। प्लम की जो क्वांटिटी है वो है 60 grams और गुड वाइब्स की जो क्वांटिटी है वो 50 grams। दोनों की जो प्राइस है उसमें काफ़ी डिफरेंस है। और गाइज इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत ही थिक है, सो अप्लाई करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, जबकि गुड वाइब्स की जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत ही थिन है, ईजिली फेस पर अप्लाई हो जाता है। गाइज जब हम फेस पे अपने अप्लाई करते हैं मास्क को अप्लाई करते हैं तो जो प्लम का मास्क है गाइज ये स्पेशली मैंने एक्सपीरियंस किया है, आपकी स्किन का मुझे पता नहीं, सो मुझे प्लम के मास्क से बहुत ही जलन होती है अपने फेस पे, जबकि गुड वाइब्स के मास्क से मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये बहुत ही कूल रहता है मेरी स्किन पे। और प्लम का जो मास्क है उससे मेरी स्किन पे जलन होती है। और गाइज दोनों के रिजल्ट की अगर बात की जाए तो आप मेरे फेस पे देख सकते हैं मुझे गुड वाइब्स के रिजल्ट ज़्यादा अच्छे लगे। सो गाइज मैं आपको रिकमेंड करूँगी, अगर आपकी स्किन ऑयली स्किन है, एक्ने प्रॉन स्किन है या कॉम्बिनेशन स्किन है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी गुड वाइब्स का ग्रीन टी मास्क। अगर आप कोई अच्छा ग्रीन टी मास्क ढूंढ रहे हैं तो गाइज ये काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल है और इसके रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे हैं, और प्लम के कंपैरिजन में इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो भी काफ़ी माइल्ड है। गाइज रिजल्ट दोनों के ही अच्छे हैं, बट मुझे गुड वाइब्स के रिजल्ट ज़्यादा अच्छे लगे। और अगर हम प्राइस का कंपैरिजन करते हैं, फ्रेग्रेंस का कंपैरिजन करते हैं, कंसिस्टेंसी का कंपैरिजन करते हैं और अप्लाई करने के बाद जो हमें जलन होती है उसका कंपैरिजन करते हैं, तो गुड वाइब्स गाइज प्लम से फार बेटर है और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल है। गाइज मैंने इन दोनों ही मास्क की जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। बट गाइज मुझे ग्रीन टी का मास्क ज़्यादा अच्छा लगा, मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप गुड वाइब्स का ग्रीन टी मास्क एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको डेफिनेटली पसंद आएगा। गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो हेल्पफुल लगे। अगर आपको मेरी आज की वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर माई वीडियो, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।